दोस्तों Xiaomi ने फिर से एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है ये Mi Beard ट्रिमर लॉन्च करके। इस ट्रिमर में आपको जो कुछ मिल रहा है और जिस प्राइस पे मिल रहा है वो आपको आज से पहले इंडिया में और किसी ने भी नहीं दिया। इसने पूरी टक्कर दे दी है फिलिप्स के ट्रिमर को जो कि आपको 2000 की रेंज में मिलता है। इसके साथ साथ और जो भी ट्रिमर आते हैं इस सेगमेंट में उन सबको पूरी टक्कर मिलने वाली है इस Beard ट्रिमर के साथ, क्योंकि आपको इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1199 में, जो कि मैं कहूँगा इसका काफ़ी अच्छा प्राइस है। तो देखते हैं क्या क्या आपको इसमें मिल रहा है और साथ में हम इसको कंपेयर भी करेंगे फिलिप्स के स्ट्रीमर के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और लाइक्स का टारगेट है आज की वीडियो के लिए 10,000, जल्दी से पूरा कर दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आप इस टाइम कोई ट्रिमर यूज़ कर रहे हो तो कौन सा यूज़ कर रहे हो और आपको Mi Beard ट्रिमर का बेस्ट फीचर कौन सा लगा। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं, तो बताना मुझे कमेंट्स में। यह आपको बॉक्स मिलता है Mi Beard ट्रिमर का, बॉक्स पे आपको सब डिटेल दी गई है क्या क्या आपको इस ट्रिमर में मिल रहा है, आगे मैं आपको सब बताऊंगा। पहले हम जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बॉक्स में एक और बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स में एक तो आपको मिलता है ट्रिमर, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद आपको मिलता है ये ट्रिमर के लिए केस, तो केस ये मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा, कोई आपको इससे शिकायत नहीं होने वाली। और साथ में आपको मिल जाएगी USB केबल जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये इसकी एक बहुत ही खास बात है। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा कॉम भी इसमें दी गई है। साथ में मिलता है आपको छोटा सा ब्रश जिससे आप इसको क्लीन कर पाओगे। तो ये कंटेंट आपको बॉक्स में मिलता है। अब हम रखते हैं सब साइड में और देखते हैं ट्रिमर। पहले हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन दोस्तों इसका मुझे अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये हाथों में होल्ड करोगे तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, कोई भी आपको शिकायत नहीं होगी इसके साथ। बिल्ड क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है, बहुत ही सॉलिड ये ट्रिमर है। यहाँ पर आपको मिलता है पावर बटन, इससे आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ऊपर आपको मिल जाएगा एक और ये डायलर, इसको यूज़ करके आप इसकी लेंथ सेट कर सकते हो। ये ट्रिमर आता है 40 लेंथ सेटिंग्स के साथ, ये भी मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी बात है। आपको यहाँ पर दो कॉम मिलती हैं साथ में, एक तो यहाँ पर लगी हुई है स्मॉल कॉम और एक बड़ी कॉम है जो कि एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दी गई है साथ में। अपनी बियर्ड के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो कौन सी आपको यूज़ करनी है, 40 लेंथ सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। इस डायलर को घुमाकर आप लेंथ सेट कर सकते हो जितनी आपको चाहिए हो। अगर आपको कॉम चेंज करनी है तो बहुत ही ईजी है, सिंपली आपको इसको इस तरह से खींचना है, कॉम ये बाहर आ जाएगी। फिर आप इसी तरह से दूसरी कॉम यहाँ पर लगा सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगर हम इस ब्लेड की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है ब्लेड स्टेनलेस स्टील का, इस ब्लेड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रिमर को आप वॉश भी कर सकते हो। ये ट्रिमर आता है IPX7 सर्टिफिकेशन के साथ, पानी में ये इतनी आसानी से ख़राब नहीं होने वाला, इस तरह से आप धो सकते हो उसको, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये फीचर मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा इसके प्राइस के हिसाब से। इससे पहले मैं जो फिलिप्स का ट्रिमर यूज़ कर रहा हूँ इसमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं है, इसको आप इस तरह से वॉश नहीं कर सकते। ये मेरा ट्रिमर दो बार ख़राब हो चुका है गीला होने की वजह से। इसके बाद इसकी खास बात है इसकी बैटरी, यहाँ पर आपको बैटरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप इसको फुल चार्ज कर लोगे तो आपको इससे 90 मिनट का बैकअप मिल जाएगा, 2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। उसके अलावा अच्छी बात यह है, मान लो आपको जल्दी है 5 मिनट आप इसको चार्ज करोगे तो भी आपको 10 मिनट का बैकअप मिल जाएगा। 5 मिनट चार्ज करके भी आप इससे ईजिली ट्रिमिंग कर सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। पूरी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसके साथ, आप इसको वायर लगाकर भी यूज़ कर सकते हो, साथ साथ ये चार्ज होता रहेगा और साथ साथ आप इसको यूज़ कर पाओगे। USB केबल आपको साथ मिलती है तो आप इसको पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको चार्ज करोगे तो यहाँ आपको चार्जिंग इंडिकेटर भी मिल जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, बैटरी फुल चार्ज होती है आपको पता चल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर ट्रैवल लॉक भी मिलता है, मान लो आप ये बैग में लेकर जा रहे हो एक्सीडेंटली ये बैग में ऑन ना हो जाए, इसके लिए आप ट्रैवल लॉक का यूज़ कर सकते हैं। इस पावर बटन को जब आप प्रेस करके होल्ड करोगे तो आपका ट्रैवल लॉक ऑन हो जाएगा, ये देखिए नीचे लाइट ब्लिंक करने लग जाएंगी, अब आपका ट्रैवल लॉक ऑन है। अब ये इस तरह से प्रेस करके ट्रिमर ऑन नहीं होगा, जब आपको ये ऑन करना है तो आपको फिर से इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा, प्रेस करके होल्ड करो, ये ट्रैवल लॉक अब हट चुका है। इस तरह से आपको यूज़ करना है ट्रैवल लॉक, ये भी फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये है Mi Beard ट्रिमर, कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा इसके बारे में, इस प्राइस पे आपको इससे बेटर ऑप्शन मिलना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये फिलिप्स का ट्रिमर देखता हूँ जो कि मैंने 2400 का लिया था, लेकिन अभी आपको 2000 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, इसके कंपैरिजन में Mi Beard ट्रिमर काफ़ी आगे निकल चुका है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें दी गई है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलती, ना ही ये वाटरप्रूफ है और ना ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है 40 लेंथ सेटिंग्स तक का, सिर्फ एक ही कॉम आपको साथ में मिलती है, वही आपको यूज़ करनी होगी,
बैटरी बैकअप इसका भी अच्छा है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि आप यूएसबी लगाकर यूज़ कर पाओ इसको। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको 1100-1200 का ट्रिमर चाहिए तो ये बेस्ट है मी बियर ट्रिमर। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में कि आपको ये ट्रिमर कैसा लगा, क्या आपको इसकी खास बात लगी और क्या आपको इसमें कमी लगी, कमेंट्स में बताना मुझे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।